ब्राह्मण और उन्हें भी पसंद है, पसंद है। हाँ, अब चाहे जो कोई कहे और ना इनका कहे कहे सुनेंगे कहना अपने मन से वोट दिए हैं बस ना, बेटा का ना पोता का किसी का ना, मत दान देना है तो किसी से मत लेना क्या है, है ना। 85 साल उम्र है और वोट कर रही है। हाँ, सुलेंद्र यादव क्या नाम बदलेगा और शिक्षा कैसे कहें, अभी लगी तो इतना वोट दिए हमको राशन नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता है नहीं। तो राशन तो सारे लोग को मिलता है ना, नहीं मिलता है तो कभी इसके। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ ऑडिशन देख रहे हैं। बिहार के 4 विधानसभा के लिए आज उपचुनाव हो रहे हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज में वोटिंग हो रही है। फिलहाल मौजूद हम बेलागंज में है और देखिए किस तरीके से बेलागंज का ये बाजार का इलाका है, प्राथमिक स्कूल है और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो वोटर हैं वो वोट देने पहुँचे। हालांकि आम चुनाव में जिस तरीके से वोटर उत्साहित रहते हैं और भारी संख्या में जब वोट करने पहुँचते हैं, लेकिन उपचुनाव है और इसमें जो वोटर है काफ़ी कम संख्या में बूथ पे पहुँच रहे हैं। अमूमन 2-4 के जो वोटर है वो बूथ पे पहुँच रहे हैं। सुबह से यही हाल है, सुबह से करीब 8-9 बूथ घूम चुके हैं, लेकिन तमाम बूथों पर जो है वोटर की संख्या काफ़ी कम देखी जा रही है, क्योंकि उपचुनाव है, लोग इसमें काफ़ी कम संख्या में उत्साह दिखाते हैं और वोट करने पहुंचे हैं। हमारे साथ एक माता जी हैं, कितना उम्र हो गया है? हमको 85। 85 हो गया, वोट देने आई थी? जी हाँ। अच्छा, लंबे समय से वोट दे रही हैं। हाँ। क्या लगता है कि चुनाव के समय जो नेता उता आते हैं वो बड़ा वादा करते हैं कि गली देंगे, नली देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, क्या मिलता है? हाँ, जिसको जैसा मतलब होता है, मतलब पूरा करने के बाद तो फिर जो चाहते हैं से करते हैं, करना हमारा धर्म है। उनको हम मन के वादा किया कि हम किसी को किया। कौन से नेता पसंद है? नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, कौन अच्छे लगते? मनोरमा देवी के नाम में ले रहे हैं। अच्छा, हमको तो भाई मनोरमा देवी पसंद है। हाँ, अब चाहे जो कोई कहे और ना इनका कहे कहे सुनेंगे कहना। अच्छा, अपने मन से वोट दिए हैं? बस ना, बेटा का ना पोता का किसी का ना, मत दान देना है तो किसी से मत लेना क्या है, है ना। 85 साल उम्र है और वोट कर रही है। हाँ, क्या लगता है, उम्मीद क्या है कि इस बार जब आप जिनको वोट दिए हैं वो जीतेंगी तो क्या करेंगे बेलागंज में, आपके गाँव में, आपके गली के लिए, मोहल्ले के लिए क्या मांगे? अब तो उनका कर्तव्य है, क्या करना है। आप अपना वोट दे दिए? हाँ, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, उनका कर्तव्य है पूरा करे अथवा मत करे। 85 साल उम्र है माता जी का और ये वोट कर दिए। क्या नाम है? सुनीता देवी नाम है। और वोट करने आई थी, क्या मुद्दा था, क्या सोचकर वोट करने आई है, क्या लगता है कि इस बार जब वोट करेंगे तो क्या विकास होगा, क्या धर्म पे, शिक्षा पे? अब अगला ना जाए सर, हम लोग तो दे ही दिए। क्या सोच कर दिए, क्या लग रहा है कि वोट दे रही है तो क्या कुछ बदलेगा? हाँ, कुछ बदलेगा, देखिए अब भगवान जाने कौन बदलेगा, अब आदमी ना समझेगा। हम लोग तो देंगे, हम दिए हैं सुलेंद्र यादव के बाद से। हाँ। क्या लगता है इस बार जब वोट दिए हैं, क्या मांग है, क्या उम्मीद है कि बदलेगा? इससे पहले काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। हाँ। तो इस बार भी क्या लग रहा है, इस बार जब जीतेंगे तो काम होगा? हाँ। अच्छा, कौन से नेता पसंद? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर भी? हाँ, सुलेंद्र यादव। हाँ, क्या नाम है? हमारा कितना उम्र हो गया? हमारा हो गया 70। 70 साल से वोट कर रही है। जब इलेक्शन आया होगा इस बार क्या सोचकर वोट करने आई है, क्या लग रहा है कि इस बार जब वोट दिए हैं तो क्या कुछ बदलेगा और शिक्षा कैसे कहें? अभी लगी तो इतना वोट दिए हमको राशन नहीं मिलता। राशन नहीं मिलता है? नहीं। तो राशन तो सारे लोग को मिलता है ना? नहीं मिलता है। तो कभी इसके लिए शिकायत किए हैं स्थानीय प्रशासन से? हाँ, अथी से बोले हैं, वीडियो से, सीओ से, वो दिए तो नहीं दिया है। नहीं, मुखिया से? मुखिया से बांटता है लीडर। हाँ, ये घर है सर। अनाज नहीं मिलता है? नहीं, काहे कि हमारा 2 लड़का है ना, तो हिया नहीं रहता है, हम रहते हैं। अनाज नहीं मिलता? नहीं, हमको नहीं देता है। तो क्या लगता है इस बार जब वोट कर रही है, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि अनाज सबको मिल रहा है, तो क्या करे? कोई तो कहता है कि मिलेगा, तुमको तो ऐसे ही देना चाहिए, बाकी नहीं देता है तो क्या करे, लड़ाई करे है, नहीं करते हैं। तो देखिए तमाम महिलाएं हैं, काफी उम्र हो चुका है और वोट करने पहुंचे इस बार। बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में मुख्य तौर पर मुकाबला सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह है और उनके सामने जो है मनोरमा देवी है, जदयू के पूर्व MLC रह चुके, NDA के उम्मीदवार है। वहीं तीसरे पार्टी के तौर पर जो है सुराज यानी प्रशांत किशोर के पार्टी के उम्मीदवार अमजद खान है। यानी बेलागंज का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। कहा जा रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का इस सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इस उपचुनाव में जो बाजी मारेगा कहीं ना कहीं 2025 विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। हालांकि बेलागंज से जो है
सात बार से विधायक सुरेंद्र यादव रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी 2024 लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनाव लड़ते हैं और वो सांसद बन जाते हैं, जिसके बाद से बेलागंज का सीट जो है खाली होता है और अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में उनके बेटे विश्वनाथ प्रसाद सिंह, विश्वनाथ यादव जो है वो चुनावी मैदान में, हालांकि लोग जो है वोट देने पहुँच रहे हैं, इक्का दुक्का ही पहुँच रहे हैं। सुबह से जो है मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, सुरक्षा के भी पुख्ता व्यवस्था की गई, किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो इसके लिए सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।